हेलो एवरीबॉडी माय नेम इज रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल कोड कोर्ट कोर्ट सोफर सब्सक्राइब टू माई चैनल तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है टेलीग्राम पे तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है जाके ज्वाइन कर सकते हो ठीक है मैं ये डेली प्रोग्राम बनवा रहा हूँ जोर गेम या जो भी प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो मैं इस पे अभी बना रहा हूँ ठीक है बाकी का अपडेट जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा सोलोग बिना देरी किए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या आ रहा है so given a positive positive integer integer number k we need to find the minimum value of positive integer n, such that ऑफ of n and n plus एन is equal to k if no such n एक्सिस्ट then print minus वन so, hmm. तो देखो बेसिकली हम लोगों को बोल क्या रहा है कि एक नंबर हम लोग को दिया हुआ रहेगा ठीक है कोई भी के नंबर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ के दिया हुआ है और हम लोग को बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन चाहिए मतलब कि जितना मिनिमम हम लोग को वैल्यू मिल जाए एन और जो भी मिलेगा एन मान लो जैसे यहाँ पे मिला एन वन तो एन और जोर एन प्लस वन जो होना चाहिए वो किसके K के बराबर होना चाहिए तो हम लोग को ऐसा नहीं बोल रहा है कि के से मिनिमम होना चाहिए जैसे के थ्री है तो यहाँ पे मिनिमम वन होना चाहिए ना हम लोग को बोल रहा है कि कोई भी मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए सबसे मिनिमम जो मिलके तुम्हारा क्या करे जॉर के साथ एन प्लस वन बना के क्या बना दे जो के का वैल्यू है देखो एग्जांपल में जैसे यहाँ पे हम लोग को के दिया हुआ है के सिक्स दिया हुआ है तो इसका पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे माइनस वन आ गया है तुम लोग देख सकते हो अगर मैं के का एग्जाम्पल यहाँ पे थ्री दिया हुआ है ना तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर मिलके अगर मिलके तुम्हारा क्या बना दे यहाँ पे ये वाला के का वैल्यू बना दे यानी कि हम लोग को कोई भी एक मिनिमम वैल्यू ढूंढना है दैट इज एन और जो भी एन ढूंढेंगे उसका एन प्लस वन यानी कि अगर ढूंढने एन इज इक्वल टू वन तो एन प्लस वन क्या हो जाएगा टू तो उन दोनों का जोड़ी मिलके जो जोर होगा वो हम लोग का किसके बराबर आना चाहिए दैट इज इक्वल दू के बराबर अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तुम लोग को समझाने के लिए ध्यान से तो समझना जैसे कि के का वैल्यू यहाँ पे हम लोग वन ले, ले लेते हैं तो देखो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग को कौन सा ऐसा मिनिमम वैल्यू लेना होगा जिसका की जोर वैल्यू क्या है तुम्हारा वन के बराबर आ जाए अब जरूरी नहीं कि ये के से छोटा हो के से बड़ा भी हो सकता है वो एन ठीक है ना तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं यहाँ पे है कि एन जो है के से हमेशा छोटा होगा सो नाउ लेट सी कि यहां पे के का वैल्यू हम लोग के का वैल्यू वन देगा तो हम लोग वन कैसे लाएंगे तो अगर हम लोग टू जॉर थ्री कर दे तो देखो हम लोग का के वन के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे अगर एन हम लोग टू ले तो एन प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो टू जोर थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा तो वन के बराबर आ जाएगा

कि यहाँ पे हम लोग को करना क्या अब समझ जाओ कि k का वैल्यू दिया हो रहेगा और हम लोग को कोई भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है जो कि क्या हो n हो और उसका n प्लस वन मिलकर क्या बना दे बेटा k के, के बराबर आना चाहिए तो कैसे ये फाइंड करेंगे हम लोग चलो हम लोग पेंट पे समझते हैं उसका पैटर्न समझते हैं ठीक है सो लेट्स अंडरस्टैंड द दिस क्वेश्चन तो जैसा कि मैं देखा कि हम लोग का बाइंड्री नंबर हम लोग जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम लोग टू के मल्टीपल्स में वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्स एंड सो ऑन इस तरह हम लोग लिखते हैं बाइनरी नंबर ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह हम लोग और आगे जाते जाते हैं टू के पावर में तो हम लोग का दिया था यहाँ पे के इज इक्वल टू थ्री ठीक है तो किसके वैल्यू से आ रहा था तुम्हारा टू जोर थ्री के वैल्यू से आ रहा था टू जोर थ्री कर रहे थे ना हम लोग सॉरी वन जोर टू कर रहे थे हम लोग तो आंसर हम लोग का क्या आ रहा था थ्री के बराबर आ रहा था अब ध्यान से देखो कि वन का बाइनरी नंबर क्या होता है वन का बाइनरी नंबर वन होता है ठीक है और टू का बाइनरी नंबर क्या होता है वन जीरो तो पे हम लोग डाल देंगे जीरो अब इसका हम लोग करेंगे तो क्या आएगा थ्री आ जी रहा है ठीक है तो तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे वन है और फिर यहाँ पे एक डिजिट इसका ज्यादा बढ़ जा रहा है मतलब हम लोग वन पे गए और फिर यहाँ टू जब आए हम लोग तो देखो यहाँ पे एक बिट इसका एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है तो हम लोग एक पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग उसी नंबर का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे जिसका के, के बराबर हो जिसका एक वैल्यू उससे ज्यादा हो यहाँ से ध्यान से समझो कि तुम तो समझ में नहीं आएगा मैं समझाता हूँ हम लोग एक के का वैल्यू सेवन लेते हैं ठीक है अब ध्यान से समझो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा तो हम लोग का केक का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का फाइव जो सिक्स अब कैसे आएगा फाइव जो सिक्स तो ये पैटर्न समझो अच्छे से यहाँ पे मैं ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि का फाइव का क्या होता है, तो है वन, वन, वन एकदम तो एक तो हो एक ध्यान से देखो सिक्स का बाइनरी नंबर क्या होता है तो सिक्स का बाइनरी नंबर होता है तुम्हारा तो फोर टू सिक्स और एक हो जाएगा जीरो फोर टू ना ना फाइव जो सिक्स नहीं आएगा यहाँ पे ध्यान से देखो अभी हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि फाइव और सिक्स कभी सेवन हो ही नहीं सकता है हम लोग क्या बोले हैं कि यहाँ पे कभी भी तुम्हारा n और n प्लस वन कब जोड़ के बराबर होगा यानी कि कब k के, के बराबर होगा जब एक कंडीशन हो क्या कंडीशन होना चाहिए तो यहाँ पे कंडीशन देखता है कि जो पहला बिट हो और जो दूसरा बीट हम लोग ले रहे हैं दूसरा वैल्यू n और n प्लस वन के बीच में एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए एक बिट मतलब कि यहाँ पे एक डिजिट भी बोल सकते हो तुम लोग कि एक डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए अब वो डिजिट हम लोग कैसे पहचानेंगे तो हम लोग को देखो अगर केस सेवन लाना है तो हम लोग कैसे लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे अगर थ्री जोर फोर कर दें? देखो ध्यान से थ्री का क्या होता है वैल्यू तो थ्री का वैल्यू होता है तुम्हारा वन और वन और फोर का वैल्यू होता है तुम्हारा वन डबल जीरो अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे दो डिजिट का है और यहाँ पे तीन डिजिट का है तो देख रहे हैं हम लोग को यहाँ पे हमेशा दो डिजिट फिर तीन डिजिट यहाँ एक डिजिट फिर दो डिजिट यानी कि जहां पे एक डिजिट का डिफरेंस आ जाए वहां पे तुम्हारा क्या होगा के के बराबर आ सकता है और ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जहां पे के तुम्हारा कुछ दिया हो और एक डिजिट का डिफरेंस ना हो तो कभी जिंदगी में नहीं बनेगा वो कभी जिंदगी में तुम उसको क्या करोगे के के बराबर नहीं ला सकते हो तो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल के का वैल्यू हम लोग फिफ्टीन लेते हैं अब ये कैसे पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है एकदम ध्यान से समझो कि कैसे ये पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है ये हार्ड क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम ध्यान से समझना कि कैसे अब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे के का वैल्यू अगर फिफ्टीन ले ले तो हम लोग का क्या आएगा आंसर तो यहाँ पे आएगा सेवन जोर एट अब कैसे आया भैया ये सेवन जोर एट क्या दिमाग लगा के बनाया तो देखो सेवन का क्या आता है एट का आएगा तुम्हारा वन ट्रिपल जीरो तो जो इससे एक नंबर कम होगा ना वो हमेशा क्या होगा उससे एक डिजिट इसका कम होगा तो यहाँ पे वन ट्रिपल जीरो और इसका हो जाएगा सेवन का तुम्हारा वन 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 तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हमेशा करेंगे तो हमेशा किसके बराबर बराबर आ आ जाएगा आ जाएगा तो के ये पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे भी कितना का डिफरेंस है एक डिजिट का डिफरेंस है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हर एक नंबर तो वहाँ कॉन्स्टेंट में के का सौ दिया हुआ है तो हम लोग हर एक का कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ तक का डिफरेंस होता है तो ध्यान से समझो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है वन यहाँ दिया हुआ टू यहाँ दिया हुआ फोर इस तरह हम लोग का बाइनरी होता है टू का मल्टीपल्स हम लोग लिखते जाते हैं कैसे हम लोग बाइंड्री निकालते हैं तो देखो जब भी वन से हम लोग टू पे आ रहे हैं यानी कि के अगर थ्री दिया हो के अगर तुम्हारा फाइव फाइव दिया हो के तुम्हारा अगर सेवन दिया, दिया हो तो यानी कि इसका हम लोग जोर कर सकते हैं इसका हम लोग जोर कर सकते हैं इसका हम लोग जौर करेंगे तो इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा यानी कि जो भी ये मल्टीपल है टू का उससे अगर एक के कम हो जैसे कि टू से एक कम हो वन का पॉसिबल है थ्री से एक कम का टू टू का पॉसिबल है फोर से एक कम का थ्री का पॉसिबल है एट से एक कम का सेवन का यानी कि सेवन हम लोग एन 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 प्लस वन करेंगे तो जोर पॉसिबल है अब जो भी नंबर हम है हम लोग का ठीक है हम लोग को कैसे यहाँ पहुंचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे एट से एक कम है मेरा तो सेवन हम लोग पहुंच सकते हैं तो कैसे तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे उस जो भी हम लोग का के दिया रहेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे वही हम लोग का आंसर हो जाएगा थ्री देख रहा हम लोग को मिल जाएगा. अगर हम लोग को तो हम लोग देखो यहाँ पे तो सिक्सटीन यानी कि सिक्सटीन जो है तुम्हारा टू का मल्टीपल है तो हंड्रेड परसेंट हम लोग जोर करके के बना सकते हैं फिफ्टीन बना सकते हैं तो हम लोग फिफ्टीन कैसे बना रहे हैं फिफ्टीन तो हम लोग बनाएंगे कैसे तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे टू से और टू से डिवाइड किया यहाँ पे तो क्या आ जाएगा चार डिजिट का वैल्यू होता है तो जैसे है, तीन और चार डिजिट यानी कि एक डिजिट का डिफरेंस जब मिल रहा है तो हम लोग क्या बनाते रहे है? ये वाला फिफ्टीन बनाते रहे कि ठीक कम बनाते रहे हम लोग तो यहाँ पे एक डिजिट का डिफरेंस हो टू का मल्टीपल हो तो हम लोग का हंड्रेड परसेंट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या कि ये मेरा जो के है हम लोग उसको रीच कर जाएंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन है याद रखना पहला कंडीशन क्या है कि वो टू का मल्टीपल होना चाहिए ठीक है टू का मल्टीपल होना चाहिए नहीं कि के जो दिया हुआ है और अगर के का वैल्यू मान लो पंद्रह है तो हम लोग क्या करेंगे उसको एक प्लस करके चेक करेंगे कि क्या वो के का मल्टीपल है अगर वो के का मल्टीपल है तो सिंपली उसका आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू के डिवाइडेड बाई टू इज योर आंसर बस तो ये कैसे हुआ तो तुम लोग का क्यों डिवाइड करके हम लोग टू का चेक कर रहे हैं तो देखो सेवन आया और सेवन जोर एट करेंगे हम लोग तो आ मल्टीपल तो है टू का है अब देखो एट डिवाइडेड बाई टू तो एट डिवाइडेड बाई टू की हम लोग सॉरी सेवन डिवाइडेड बाई टू तो आएगा थ्री तो थ्री जोर फोर आ जाएगा तुम्हारा सेवन के बराबर यानी कि थ्री और फोर आ जाएगा तुम्हारा क्या सेवन के बराबर यानी कि थ्री और फोर में क्या है एक डिजिट का डिफरेंस है थ्री के बाइंड में आता है 1, 2, 3, और यहाँ आ जाएगा यहाँ और इसको हम लोग जब जोर करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा वन जीरो वन और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वन तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेवन के बराबर तो देख रहे हो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग का है यहाँ पे अगर सेवन बन सकता है कि नहीं तो हम लोग उसके लिए क्या चेक करेंगे क्या मेरा सेवन प्लस वन एट इसका मल्टीपल है है उसके बाद एंसर हम लोग कैसे निकालेंगे तो सिंपली के डिवाइडेड बाई टू कर देंगे अगर टू का मल्टीपल है तो तो हम लोग क्या करेंगे के को को डिवाइड डिवाइड कर देंगे से से तो के को टू से, तो किए तुम्हारा आ जाएगा सेवन तो बन रहा है तो थ्री का यहाँ पे देख रहे हो थ्री का मात्र दो डिजिट लग रहा है और सेवन का तुम्हारा तीन डिजिट लग रहा है तो दो और तीन डिजिट मिलके मेरा तीन डिजिट बन जा रहा है यानी कि सेवन हम लोग रीच कर जा रहे हैं तो ये हम लोग का यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व हुआ ये दो चीज होगा तो हम लोग क्या पहला हम लोग देखेंगे सिंपली क्या है टू का अगर मल्टीपल है तो सिंपली आंसर में रिटर्न कर देंगे k अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे माइनस वन अब एक एक्सेप्शन केस है तुम्हारा क्या वो के इज इक्वल टू वन वाला सिंपली अगर के वन होगा तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे टू क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या है वन डिवाइडेड बाई टू करोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा जो की पॉसिबल नहीं यहाँ पे आंसर है टू जो कि मैं शुरू में करके बताया था कि टू और थ्री करेंगे हम लोग तो वन आएगा तो ये एक एक्सेप्शन केस है ठीक है तो यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन केस है अब भैया हम लोग चेक कैसे करेंगे कि जो है मेरा नंबर वो टू का मल्टीपल है ठीक है तो इसके लिए तो तुम लोग वाइल लूप लगा के कर सकते हो लेकिन वो क्या करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा लॉग इन में बनाएगा हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे टू का मल्टीपल है कि नहीं ऑर्डर ऑफ वन टाइम में किस में चेक करेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ वन टाइम में ठीक है ना तो वो कैसे होगा एकदम सिंपल सा लाइन है हम लोग क्या करेंगे यहाँ एंड ऑपरेशन का यूज करेंगे किसका एंड ऑपरेशन का यूज करेंगे जैसे कि हम लोग को चेक करना है कि फोर इज अ मल्टीपल ऑफ टू और नॉट तो वो कैसे होगा तो देखो फोर का बाइनरी नंबर क्या होता है वन जीरो जीरो अगर इससे इस अगर हम लोग एक नंबर घटा दे तो क्या होगा थ्री हो जाएगा अब थ्री का बाइनरी नंबर क्या होता है थ्री का बाइनरी नंबर होता है ठीक इसका उल्टा यानी कि जहां जीरो है वहां वन हो जाएगा जहां जीरो है वन हो जाएगा और जहां वन है यहाँ जीरो हो जाएगा अब इसको अगर हम लोग करें एंड ऑपरेशन तो आंसर हमेशा जीरो आएगा जीरो 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 तो ध्यान से देखो हम लोग को अगर चेक करना है कि कोई भी नंबर मल्टीपल है तो हम लोग क्या करेंगे एन एंड एन माइनस वन अगर तुम्हारा जीरो आ जाता है इक्वल टू अगर जीरो तो वो हंड्रेड परसेंट मल्टीपल है टू का सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एट लिए हम लोग तो एट का एग्जांपल क्या होता है तुम्हारा वन ट्रिपल जीरो और याद रखना जब भी वो टू का होता है टू का कोई भी मल्टीपल होगा उसमें हमेशा एक ही सेट बिट होता है एक ही सेट बिट और बाकी के हम लोग क्या कर देंगे अनसेट कर देंगे यानी कि वन है जो उसको जीरो कर देंगे जीरो है जो उसको वन कर देंगे जीरो है वन कर देंगे वन कर देंगे ये हो जाएगा इससे एक कम तो हो जाएगा तुम्हारा सेवन तो एट और सेवन का हम लोग एंड ऑपरेटर करेंगे तो एंड ऑपरेटर किए तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का जीरो तो चेक करना है कि इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ टू और नॉट तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे and, and, and का चेक करेंगे अगर ये जीरो है तो मतलब क्या के बाई टू तो दो स्टेप समझ में मल्टीपल है कि नहीं दूसरा हम लोग को चेक करना है कि क्या ये K जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा अगर ये मल्टीपल है टू का तो हम लोग क्या करेंगे कर देंगे? K in उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि एक एक्सेप्शन केस लिख देंगे वाले का और हर केस केस में में क्या एन एंड एन माइनस वन करके चेक करेंगे कि अगर टू का मल्टीपल है तो ठीक है तो हम लोग एंसर में रिटर्न कर देंगे के बाई टू अगर नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर देंगे माइनस वन और वन का एक्सेप्शन केस रख देंगे कि इफ, इज इक्वल तो सिंपली हम लोग एंसर रिटर्न कर देंगे टू तो ये हम लोग का हो गया एक्सेप्शन केस नाउ वी विल सॉल्व द कोड कोड बहुत आसान है अब तुम लोग को जैसा मैं बताया था एकदम आसानी से समझ में आ जाए कि देखो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन केस हैंडल किए कि इफ k equal to equal to one, two, k इज इक्वल टू वी विल रिटर्न एंड देन n की ठीक है तो यहाँ पे हम लोग n को क्या कर दिए k को बढ़ा दिए k थ्री ये तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा प्लस वन एन जो है बढ़ाया है हम लोग तो फोर हो गया वो तो हम लोग चेक किए कि क्या ये मल्टीपल है कि नहीं ठीक है ना तो अगर टू का मल्टीपल है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे रिटर्न के बाई टू अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली रिटर्न करेंगे माइनस वन तो होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू